पिछले सीजन की रनर अप गुजरात टाइटंस का सफर आईपीएल 2024 में खत्म हो गया है। अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उसका करो या मरो का मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। इसके साथ ही गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें भी पूरी तरह खत्म हो गई है। गुजरात के लिए आखिरी चार पहुंचने की संभावनाएं पहले ही बेहद कम थी, लेकिन अपने आखिरी दो मैचों में बड़ी जीत के साथ वो ऐसा करने की उम्मीद रख सकती थी, लेकिन अपने घर में ही उसकी उम्मीदों पर बारिश का पानी फिर गया। अहमदाबाद में होने वाला यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए अलग अलग वजहों से अहम था। गुजरात के लिए खुद को बचाए रखने का सवाल था, जबकि कोलकाता के लिए पॉइंट्स टेबल में पहले या दूसरे स्थान पर जगह पक्के करने के लिए जीत जरूरी थी। गुजरात की उम्मीदों पर तो पानी फिर गया, लेकिन कोलकाता ने जरूर अपना मकसद पूरा कर लिया। इस मैच से पहले गुजरात के 12 मैचों में 10 पॉइंट्स थे, लेकिन उसका नेट रन रेट बेहद खराब था। ऐसे में उसे बचे हुए दोनों मैचों में बड़ी जीत की जरूरत थी। शुरुआत वो अपने होम ग्राउंड से कर सकती थी, लेकिन शाम को अचानक शुरू हुई बारिश ने मजा किरकिरा कर दिया। एक बार शुरू हुई बारिश फिर रुकी ही नहीं, और आखिरकार रात 10:30 बजे अंपायरों ने दोनों कप्तानों के साथ मिलकर मैच को रद्द करने का फैसला किया। मैच रद्द होने के चलते दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला, लेकिन इससे गुजरात के लिए प्लेऑफ के दरवाजे बंद हो गए। टीम अब सिर्फ 13 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकती है, जो प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए काफी नहीं थे। इस तरह कप्तान के रूप में शुभमन गिल का आईपीएल करियर भी निराशा के साथ खत्म हुआ। अब उनके पास अपने आखिरी मैच में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ जीत दर्ज कर टूर्नामेंट का अंत दमदार अंदाज में खत्म करने का मौका होगा। वही कोलकाता को इस बारिश ने फायदा पहुंचाया, क्योंकि एक पॉइंट हासिल करने के साथ ही अब पॉइंट्स टेबल में पहले या दूसरे स्थान पर उसकी जगह पक्की हो गई है। कोलकाता के 13 मैचों से 19 पॉइंट हो गए हैं, और अब उससे आगे सिर्फ राजस्थान रॉयल ही निकल सकती है, जिसके 16 पॉइंट है और उसके 2 मैच बाकी है। इसका फायदा यह होगा कि पहले क्वालिफायर में जीतने पर उसे सीधे फाइनल में जगह मिलेगी, जबकि हारने की स्थिति में उसे एक और मौका मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।